कुकिंग बाय रश्मि में बहुत बहुत स्वागत है। और इसको मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसको मैंने ब्रेड को रख दिया है बनने के लिए। अब इस मिनट के लिए मैं इसे
काफी कच्चा है, इसको हम दस मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसका हम ढक्कन लगा देंगे। अभी तक हमने इसको मीडियम आंच में पकाया था, अब इसे हम 20 मिनट बाद स्लो कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन खोल कर देख लेंगे। ये देखिए हमारी ब्रेड पूरी तरीके से हो गई है, ये पक भी गया है, इसमें कुछ भी नहीं लगा है। अब हम गैस को कर देते हैं गैस और ब्रेड को निकाल ले रहे हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ढक दे रहे हैं और इसे हम ठंडा होने पर निकालेंगे। हल्का सा ठंडा हो गया, अब हम कपड़े को हटाकर देखेंगे। इसको अब हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा बन हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारा बन पूरी तरीके से बनकर तैयार है। ये अभी हमारा कढ़ाई वाला अभी हुआ नहीं है, इसे हम 10-15 मिनट के लिए और छोड़ दें। आइए अब हम ब्रेड को काट कर देखते हैं। इसे हम इस तरह से बीच से ही कट जाते हैं। ये देखिए हमारा कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है, हमारा स्वादिष्ट बन बनकर तैयार है। बन आइए हम ब्रेड को खोलकर देखते हैं। ये हमारा ब्रेड हो गया है, इसको हम गीले कपड़े से निकालते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।